पर लिखकर जाई, जहां संत मीराबाई और महाजीत गोस्वामी का पवित्र मिलन हुआ। यह सिर्फ दो महान आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि भक्ति और ज्ञान का संगम था, जिसमें भक्ति की परिभाषा में एक नई दिशा दी। चित्तौड़ की राजकुमारी मीराबाई, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था, वह वृंदावन की ओर चल पड़ी थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि संसार के सारे बंधन उनके लिए नगण्य हो गए थे। जैसे ही मीराबाई वृंदावन पहुंची, तो वहां के प्रसिद्ध विद्वान और वेदांत के ज्ञाता जीव गोस्वामी जी ने उन्हें आश्रम में प्रवेश से मना कर दिया था। उनका मानना था कि स्त्रियों को आध्यात्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। मीराबाई ने शांति से जीव गोस्वामी जी के लिए एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने गोस्वामी जी से सवाल पूछा। गोस्वामी जी को गहरे विचारों में डाल दिया। मीराबाई के शब्दों ने यह संदेश दिया कि आत्मा का स्वरूप स्त्री का है और भगवान कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। इस अद्वितीय दर्शन ने भक्ति के लिए एक नई दृष्टि पेश की। गोस्वामी जी के मन में हलचल मच गई। मीराबाई ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि भक्ति में स्त्री पुरुष का भेद निरर्थक है। उन्होंने पत्र में आगे यह भी लिखा, यह मीराबाई की गहन भक्ति थी जिसने गोस्वामी जी के विचारों को हिला दिया। आखिरकार गोस्वामी जी ने समझा कि भक्ति का कोई सीमांत नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, आज मैंने सच्चा ज्ञान पाया है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पुरुष सच्चा हो ही नहीं सकता और भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने आश्रम के द्वार खोले और हाथ जोड़कर मीराबाई का स्वागत किया। जैसे ही मीराबाई ने आश्रम में प्रवेश किया, वहां का वातावरण भक्ति से भर गया था। उपस्थित साधकों ने यह महसूस किया कि सच्ची भक्ति से परे होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना हुए, यह बात मीराबाई के भक्ति का सार था। सभी आत्माएं